बारे में हमेशा से ये जानने को उत्सुक है कि रोबोट कैसे चलता है और वो दूसरों को अपने आप जवाब कैसे देता है। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो इंटेलिजेंट मशीन के जरिए अपने आप समझता है और सोचता है, लेकिन वो तो वास्तव में सिर्फ कंप्यूटर है। फिर भी ये एक मनुष्य और मशीन दोनों में कैसे दिखाई देता है? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब देने के लिए सपोर्ट टीवी इस वीडियो में आपको बताने वाली है रोबोट कैसे काम करता है, हाउ डज रोबोट वर्क। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। जिस तरह से इंसानों के शरीर में मांसपेशियों, रंध्र, हड्डियों और तंत्रिकाओं की विशाल संख्या समन्वयित होती है, लेकिन अगर हम मशीन में इस तरह के व्यवहार को दोहराने की कोशिश करते हैं तो हम तुरंत ये महसूस करते हैं कि ये कितना मुश्किल है। सिर्फ इसलिए कि एक रोबोट को स्थानांतरित करना पड़ता है, इसका पालन नहीं होता है कि उसे किसी व्यक्ति की तरह ले जाना होगा। रोबोट को फैक्ट्री में विशाल इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक हथियारों से तैयार किया जाता है, जो विशिष्ट कामों के लिए विभिन्न उपकरणों के साथ लगे होते हैं, और उसको पेंटिंग, वेल्डिंग या लेजर से काटा जाता है। कोई इंसान 360 डिग्री के माध्यम से अपनी कलाई को घुमा सकता है, लेकिन क्या कारखाने वाला रोबोट ये कर सकते हैं? आज तो C3PO जैसी रोबोट वास्तव में मौजूद है। ये रोबोट ये सारे काम कर सकता है, तो किसी ने उन्हें कैसे विकसित किया होगा? तो ऐसे मानव के समान कार्य करने वाले रोबोट बनाने के लिए क्या किया होगा? ग्रह पर नियंत्रण रखने वाले बुद्धिमान रोबोटों के बारे में मनोरंजक कहानियाँ लिखना काफी आसान है, लेकिन ऐसे रोबोटों को विकसित करने का प्रयास करें और देखें कि आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। हम अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से दुनिया का अनुभव करते हैं, इससे ही हमारा सारा शरीर नियंत्रित होता है। लेकिन रोबोट के बारे में क्या? उन्हें उनके चारों ओर की चीजों का अनुभव कैसे मिलता है? रोबोट के अंग कैसे काम करते हैं? वो अगर हम जान जाएंगे तो रोबोट कैसे काम करता है वो हम पूरी तरह से जान जाएंगे। पहला, दृष्टि, विजन। एक रोबोट की दृष्टि प्रणाली वस्तुओं के रंग के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जाती है। वो है पहला, बाइनरी छवि, जिसमें काले और सफेद छवियां शामिल है। दूसरा, ग्रे रंग की छवियां। तीसरा, लाल, हरे या नीले रंग के आधार के साथ रंगीन चित्र। इन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत पिक्सल की मदद से एक इलेक्ट्रॉनिक छवि बनाई जाती है। अगर एक छवि इन श्रेणियों में से निकल गई तो ये काम नहीं करता है। एक दृष्टि प्रणाली में एक छोटा कैमरा, एक निगरानी प्रणाली यानी एक कंप्यूटर और आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल होंगे। छवि की पहचान करने की पूरी प्रक्रिया को 3 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, इमेज प्रोसेसिंग। दूसरा, थ्रेशहोल्डिंग। तीसरा, कनेक्टिविटी पथ। दूसरा, श्रवण, हियरिंग। हमारे मानव श्रवण इंद्रियां सुनवाई, गंध, स्वाद और स्पर्श से काम करती हैं। लेकिन रोबोटिक्स की दुनिया में सटीक प्रतिकृति नहीं है, जहां एक व्यक्ति अपने कानों के साथ सुनता है और यहां एक रोबोट एक माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता है ताकि ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जा सके, जो डिजिटल रूप से संसाधित हो सके। सरल आवाज सुनना और समझने में एक बड़ा अंतर है कि आवाज क्या कह रही है, लेकिन ये समस्या मशीन की क्षमता से परे नहीं है। कंप्यूटर सफलतापूर्वक दशकों के लिए मानवीय भाषण को पहचानने योग्य पाठ में बदल रहे हैं। अब वो हमारी आवाज सुन सकते हैं और स्क्रीन पर मेरे शब्दों को विश्वास पूर्वक प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना पहली जगह में शब्दों में ध्वनियों को बदलने से बहुत अलग चीज है। फिर भी रोबोट ये सब कर सकता है। तीसरा, गंध, स्मेल। क्या आप सोच सकते हैं कि एक रोबोट के नाक का निर्माण कैसे होता है? ये सही सेंसर बनाने की बात है। गंध प्रभावी रूप से एक रासायनिक मान्यता प्रणाली है। एक बेकन बटाई, एक जलन परितालिका से वाष्प के अणु या नाक में अस्थिर तरल पदार्थ हमारी नाक में बहते हैं और ग्रहणशील कोशिकाओं पर बांध करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रो रासायनिक रूप से उत्तेजित करते हैं। यहाँ रोबोटों की कोई नाक नहीं है तो वे कैसे गंध करते हैं? हमारे पास बहुत सारे मशीन हैं जो बड़े पैमाने पर स्पेक्ट्रोमीटर और गैस क्रोमेटोग्राफ सहित रसायनों को पहचान सकते हैं। उसे रोबोट में लगाकर गंध को पहचाना जाता है। चौथा, भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस।
रोबोट को बुद्धिमान यानी कि बहुत ही समझदार माना जाता है। उसका माइंड मनुष्य के माइंड से 30% तेज चलता है और बहुत ही जल्दी सब याद कर लेता है। और रोबोट क्लिंटेशनल लॉजिकल और तर्कसंगत है, जहां इंसान अधिक भावुक और असंगत है। ऐसे रोबोट का विकास भावनात्मक विशेषकर करते हैं, जो मानव भावनाओं को समझा सकते हैं। और इसी तरह ही रोबोट मनुष्य का सब काम आसान कर देता है। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार छात्रों, मैं मंजुला बी जोगी, हिंदी शिक्षिका, शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहल्ली वड़लकेरे तालुका चित्रदुर्ग जी। बच्चों, आज हम हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी दसवीं कक्षा का जो गद्य पाठ है, यानी बाल भवन पर रोबोट, डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक से द्वारा लिखित इस पाठ के अगला भाग, यानी साधुराम के कारण चिंतित रोबोट। यानी यहाँ पर साधुराम कौन है? साधुराम सक्सेना के घर का नौकर है, बसों से काम करते आए है ना। उसके बाद ये रोबो नील कौन है? साधुराम के गैर हाजिरी में, यानी वो ये अस्पताल में भर्ती हुआ होता है, इसी कारण से क्यों काम करने के लिए कोई चाहिए, किसके घर में? सक्सेना के घर। तब क्या करते हैं? रोबो नील को उनके घर के कामकाज के लिए लाते हैं। उसके बाद रोबो नील और रोबोदीप दोनों की मुलाकात होने के बाद तब क्या होता है, एक बात पता चलती है रोबो नील को। रोबोदीप से रोबोदीप कहता है, तुम जो आए हो, क्यों आए हो, तुझे पता है क्या? सबसे पहले उनके घर में एक ऐसा नौकर था, इस कारण से वो अस्पताल में पड़ा है, इसीलिए घर का कामकाज और नाती पोतों का होमवर्क और वर्ड प्रोसेसर में काम करने के लिए तुझे लाए हैं। तब इसे थोड़ा दुख होता है, मैं एक व्यक्ति का खाना छीन लिया है, ऐसा समझता है कौन? रोबो ने। इसी कारण से किसी भी हालत में उसे काम में रखने के लिए दोनों कोशिश करते हैं। अपने आप में बातचीत करके रोबोटॉनिक्स कारपोरेशन के मालिक से जाकर मिलते हैं। मिलने के बाद क्या होता है, वो इनको सहयोग नहीं देता है, बल्कि कहता है, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ आपकी मदद नहीं कर सकता। ऐसा कहने के बाद दोनों इतनी सी बात के लिए, यानी इसी बात को लेकर वहाँ पर वो चुप नहीं हो जाते, आगे और कुछ करते हैं, क्योंकि मानव को एक यंत्र से तकलीफ होना ये नियम वाली है, इसीलिए वो क्या करते हैं, दोनों हम उनको तकलीफ दे रहे हैं, उसका खाना मैं छीन रहा हूँ, ऐसा समझकर चिंतित होकर रोबो नील क्या करता है, देखेंगे अगला भाग जो है उसे हम देखते जाएंगे। कुछ दिन और गुजर गए, सक्सेना परिवार रोबो नील को पाकर फूला नहीं समाया, पर रोबो नील साधुराम के कारण बहुत चिंतित था। उसके कारण साधुराम की नौकरी को आंच आए, यह उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। रोबो ने सोचा कि इंसान अपने स्वार्थ के तहत नियम और कानूनों को अंगूठा दिखा देता है, पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो गई है। देखिए कितना अच्छा सोचता है। क्या है कि अभी क्या हुआ है, कुछ दिन गुजर गए, ऐसी ही बात ये सुनता है, विषय को लेकर परेशान है, कुछ दिन इसी इसमें गुजर गए, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी वो लेकिन काम सक्सेस नहीं हो, यानी सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसे समय में कुछ दिन गुजर जाते हैं, अंदर के लोग दिन कड़गो, तो सक्सेना परिवार रोबो नील को पाकर फूला नहीं समा रहा था। फूला नहीं समाना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना, तुम खुशी आ गो, खुशी का उपभोग हो,
ಉದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಉದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಉಬ್ಬೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಗುಣ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಗುಣ ಖುಷಿ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರೋಬೋಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಾಧು ರಾಮ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ರು ಪರ್ ರೋಬೋನಿ ಸಾಧು ರಾಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ये काम इनका काम पाकर ये सभी बहुत खुश हैं लेकिन रोबो ने बहुत साधु राम के कारण चिंतित है क्यों चिंतित है देखेंगे उसके कारण साधु राम की नौकरी को आंचाए ननगोस्कर नन्न कारण दिंदा मेरे वजह से मेरी वजह से किसको साधु राम के काम को आंचाए ಅದು ನನಗೆ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಾಧುರಾಮ್ ಕೆಲಸ ಬಿಡೋದ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಸೋಚಿಸಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಉಸೆ ಕಿಸಿ ಬಿ ಸೂರತ್ ಮೇ ಮಂಜೂರ್ ನಹಿ ಥಾ ಅವನ ಅನ್ನವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ರೋಬೋ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ ನಹಿ ಥಾ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು रोबो ने सोचता कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियम और कानूनों को अंगूठा दिखा देता है तन स्वार्थ का ही अभी सक्सेना क्या कर रहा है लालच के कारण स्वार्थ के कारण ही है ना क्या कर रहा है उस साधो राम के बदले में वर्षों से काम करता आया हुआ साधो राम को एक चोट आ गई ऐसा समझकर ये काम ठीक से नहीं करेगा ऐसा समझते हुए कुछ पैसों को देकर उसे अपने गांव भेजने के लिए तैयार हो गया है ये लालच ही है ना ये स्वार्थ ही है ना इसी कारण से वो रोबोट सोच रहा है किसके बारे में मानव के बारे में ये क्या कौन सोचना था मानव को सोचना लेकिन यहाँ पर मानव नहीं सोच रहा है बल्कि एक यंत्र मानव की मानवीयता के तहत चल रहा है लेकिन आदमी अपनी मानवीयता को भूलकर जीना चाह रहा है यानी जीवन चला रहा है इसमें पता चलता है ये सोचता है कौन रोबो ने यानी क्या कर रहा है स्वार्थ के लालच के कारण इंसान यानी मनुष्य ऐन ಮಾಡ್ತಿದಾನೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ पर लगता है रोबोट में भी अब वही काम पैदा रोबोट को ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಯಮವನ್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ವ ಅವು ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ರೋಬೋನಿ ಸೋಚುತ್ತಾರೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೆ उसी राह रोबोनिल को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी ऐसे ही सोचते समय कौन सक्सेना क्या करता है रोबोनिल को धीरज सक्सेना उसका नाम धीरज है धीरज सक्सेना रोबोनिल को उसके वर्ड प्रोसेसर में काम करने के लिए दे रखा है ना किसे ರೋಬೋನಿಲ್ ಗೆ ಠೀಕ್ ರೋಬೋನಿಲ್ ಗೆ ತನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೋಬೋನಿಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಕಥೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಕಥಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಥೆಯನ್ನ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪರ್ ಟೈಪ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ದಿ ಕಥಾ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮೇ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಥೀ एक घर में नौकर को आ कथे ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ದೇನ ಇಸ್ ತರ ಥೋಡಾ ಔರ್ ಜ್ಯಾದಾ ಧ್ಯಾನ ದೇನೆ ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಹೈ ನಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಉಸ್ ಕಹಾನಿ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಥಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಿ ಕಹಾನಿ ಮೇ ಟೈಪ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ದಿ ಕಥಾ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮೇ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರ ಈ ತರ ಇದೆ ಹೇಗಿದೆ एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ತನ್ನ ಜಾನ್ಲೇವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹೌದಾ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳತಾ ಇದ್ದ ಇಸ್ ಪೀಡಾ ಮೇ ವೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹಾ ಥಾ ಗುಜರ್ ರಹಾ ಥಾ निकाल कर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है इसीलिए काम के लिए उस नौकर को निकाल कर उसके जगह पर एक
रोबोट को काम के लिए रखा जाता है। ये सक्सेना घर की कहानी नहीं है, ये वर्ड प्रोसेसर में विज्ञान की कहानी टाइप करने के लिए धीरज सक्सेना ने इसे दिया है। हाँ, इसे दिया है, रोबोनिक को दिया है। उस कहानी का संक्षिप्त सार है ये। रोबोट को रख दिया जाता है, किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है। एगो माने ये नन्ना बदलागी, यानी वो बनावकरण बदलागी, नन्ना ना कर सकते इसको निकले अन्नो द्वारा रोबोट के गोता करते। रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। अवगत कराना अंदरे अदना ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ತಿಳಿಸು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಂಘ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಕ ಸಂಘ ಕೋ ಸಾರಿ ಬಾತೋ ಸೆ ಅವಗತ ಕರಾತಾ ಹೈ ಸಬ್ ರೋಬೋಟೋ ಕಿ ಹಡತಾಲ್ ಕಿ ಘೋಷಣಾ ಕರ್ ದೇತಾ ಹೈ ಅಂತತಃ समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख दिया जाए। कथे उस कथा कौन सी, विज्ञान की कहानी टाइप करने के लिए बैठा है रोबो ने, कहा कंप्यूटर ने। उस कहानी का सार क्या है, एक व्यक्ति के घर में एक नौकर काम करता रहता है, उसे जानलेवा बीमारी से गुजरता रहता है। उसको निकाल कर क्या करते हैं, एक रोबोट को उस घर में काम के लिए रखते हैं। कुछ दिनों के बाद उस रोबोट को पता चलता है कि एक व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा था, वो अभी संकट में है और पीड़ा में है। उस समय में उसे ठीक करवाने के बजाय मुझे काम पर रखा है। यह बात किसे पता चलती है, यस, उस रोबोट को पता चलता है। पता चलने के बाद वो रोबोट चुप नहीं रहता और उस रोबोटिक संघ से जाकर मिलता है, मिलकर हड़ताल करता है, अंदरे स्ट्राइक मारी एन मरता ने अधिक वंदु न्याय वरना आ रहे वंदु नौकर लिए न्याय वरना दोनों किसी को बोले ये सिस्टी आ गया है अलग ये कते समुगिल हाँ का भी समाप्ति कर दिया। इधर अधिक वंदु आइडिया से यार ये रोबो निल ಆ ಕತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ತನಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಸಿ ಹಾಲತ್ ಮೇ ಮೈ ಭಿ ಗುಜರ್ ರಹಾ ಹೂ ಐಸಾ ಕೌನ್ ಸೋಚ್ತಾ ಹೈ, ಯೆಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಸೋಚ್ತಾ ಹೈ, ಕೌನ್ ರೋಬೋ ನೇ, ತಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ದೇಖಿಯೇ, ಕಹಾನಿ ಟೈಪ್ ಕರ್ಕೆ ರೋಬೋ ನೇ ಕಿ ಧಾತ್ವಿಕ್ ಔ ತಾರೋ ಭರೆ ಪರಿಪಂಥ ವಾಲಿ ಖೋಪಡಿ ಮೇ ಯಖಾಯಕ್ ಮಾನೋ ನೀಲಿ ರೋಶನಿ ಹೋ ಗಯೀ। ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಥಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಳಿತು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೈ ಇದ್ನೇ ನಿಂತ ಎಲ್ಲಿ ಸೋಚ್ತಾರ, ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉಸ್ ಸಾಧೋ ರಾಮ್ ಕೋ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಕಾಮ್ ಮೇ ರಖ್ ದಿಯಾ ಜಾಯ್, ಐಸಾ ಸೋಚ್ ರಹಾ ಥಾ ಕೌನ್ ರೋಬೋ ನೀಲ್। तब इस कहानी से उसे पता चला कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, उस साधु राम को घर में यानी नौकरी को फिर वापस ला सकता हूँ। ऐसा उसके खोपड़ी में क्या एक अचानक विचार पैदा हो गया। ज्ञानोदय नानु कूड़ा इधे तरह परिस्थिति कड़ीता अल्वा, ಆ ಕಥೆಯಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಧುರಾಮನ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧುರಾಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಕೂಡದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಯಾರಾಗಿ ಯಾರು ರೋಬೋನೆ। ಅಗ್ಲೆ ರೋಜ್ ಹಿ ರೋಬೋದೇವ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ವಹ ಸಂಘ ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಾ ಪಹುಂಚಿ, ಸಬ್ ಬಾತೆ ಸುನ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆ ಸಂಘ ಕಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಕಿ आपत्कालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। हेगे नेक्स्ट दिन ने अगले रोज अदर मरुदिन यारो रोबोट रोज ही रोबोदीप के साथ ರೋಬೋದೀಪ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ವಹ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಾ ಪಹುಂಚ, ಯಾವುದು ರೋಬೋಟಾನಿಕ್ಸ್
ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಭೇಟಿಯಾಗ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗ ಯಾರು ರೋಬೋಲಿನ್ ರೋಬೋದೀಪನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಪಾತಿ ಸುನ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೆ ಸಂಘ ಕಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಕಿ ಆಪತ್ಕಾಲೀನ ಬೈಠಕ್ ಸುನಾ ಏನಾಯ್ತು ಬುಲಾಯಿ ಇಸೀ ಕಾರಣ ಸಂಘ ಕಾ ಜೋ ಮುಖ್ಯ ಹೋತಾ ಹೈ ಉಸ್ ಪೂರೇ ರೋಬೋಟೋ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಏಕ ಸಭಾ ಯಾನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬುಲಾತಾ ಹೈ ಬೈಠಕ್ ಯಾನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬುಲಾತಾ ಹೈ ಸಭೆ ಬೈಠಕ್ ಮೆ ತಯ ಹುವಾ ತಯ ಯಾನಿ ನಿರ್ಣಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು ಏನಂತ ನಿರ್ಣಯ ಆಯ್ತು ಕಿ ಸಭಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಯೋ ಕೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ರೋಬೋಟೋ ಕಿ ಹಡತಾ ಕಾ ಆಹ್ವಾನ್ ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಕರೆಸ್ತಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಯೋ ಕೆ ಮಾಲಿಕೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಇಸ್ ಆಹ್ವಾನ್ ಸೇ ಹಲ್ಚಲ್ ಮಚ್ ಗೈ ಇದೇನಿದು ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಹೌದು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ನಡುವೆನೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಉನ್ಹೊನೆ ರೋಬೋಜಿತ್ ಪರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಪರಿವಾರ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹುಯೆ ಅನುಬಂಧ ಕೋ ತುರಂತ ರದ್ದ ಕರ್ ದೇನೆ ಕಾ ದಬಾವ್ ಡಾಲಾ ರೋಬೋಜಿತ್ ಅಕೇಲಾ ಪಡ್ ಗಯಾ ಯಾನಿ ಮಜಬೂರನ್ ಉಸೆ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಪ್ನೆ ಅನುಬಂಧ ಕೋ तुरंत रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಬೋಜಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರೋಬೋಟಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನ ಮಾಲೀಕನಾದಂತಹ ರೋಬೋಟ್ ಅದು ಅಕೇಲ ಪಡ್ಗೆಯ ಒಂಟಿ ಆಯ್ತು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಹಡತಾಲ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಯಾರ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಐಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಕ್ಸೇನಾ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಜೋ ಹುವಾ ಹೈ ವೋ ಗಲತ್ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾದ್ರು ಅವಾಗ ರೋಬೋಜಿತ್ ಮಾತ್ರ ಅಕೇಲ ಪಡೆಯ ರೋಬೋಜಿತ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೋಬೋಜಿತ್ ರೋಬೋದಿಪ್ ರೋಬೋನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಜೀತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ಸೇನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ದೀಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಶರ್ಮಾಗೆ घर में काम करने वाला रोबोट है इसीलिए क्या हो जाता है उस हड़ताल में ये सक्सेस हो जाता है उसके बाद के साथ अनुबंध के तुरंत रद्द करके रोबोनिक को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी नोड़ी तक्षण ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಡ್ತಾಲ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ धीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला तो उनके हाथों से तोते उड़ गए ठीक है क्या हो जाता है धीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला अंदर वो स्वार्थ के कारण उस कष्ट में जो रहा साधोराम को क्या करते हैं साधोराम को बाहर निकालते हैं और कुछ पैसे देकर उसे गांव भेजने के लिए तैयार हुआ था ना ये बात सुनकर उसको शॉक में पड़ गया ये क्या हुआ ये किस प्रकार हुआ मैंने इस कितना अच्छा एक बुद्धिमान रोबोट को लाकर क्या कर रहा था अपने काम के लिए रखा था लेकिन ऐसा क्या हो गया ऐसा सोचते हुए उन्होंने क्या किया धीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला तो उनके हाथों के तोते उड़ गए ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯಹ ಸಚ್ ಥಾ ಕಿ ಉನ್ಹೊನೆ ಸಾಧೋರಾಮ್ ಕೋ ನೌಕರಿ ಸೇ ನಿಕಾಲ್ನೆ ಕಾ ಫೈಸಲಾ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಥಾ ಪರ್ ಬದಲೆ ಹುಯೆ ಹಾಲಾತ್ ಮೇ ಉನ್ಹೇ ಮಜಬೂರ್ ಹೋಕರ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಂಘ ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾಕರ್ ಯಹ ಗುಜಾರಿಶ್ ಕರ್ನಿ ಪಡಿ ಕಿ ಜಬ್ ತಕ್ ಸಾಧೋರಾಮ್ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೇ ठीक नहीं हो जाता है तब तक रोबोनिल उसके पास काम करता रहेगा हेगिन मजबूर हो जाता है कौन
सक्सेना, क्योंकि वो अस्पताल में है कौन, साधुराम। इसी कारण से वह काम के लिए कोई नहीं आते हैं। वो ठीक होकर आने तक तो अंदर हुशार आगे बरोबरे गाधुरो, क्या करना है, ठीक होकर आने तक तो हमारे घर में काम के लिए रोबोने को रखना ही चाहिए। ऐसा कहने के लिए मजबूरन वह जाकर गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट विनती करता है किसके पास, वो संघ के रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के सामने जाकर वो हाथ फैलाता है। कुछ दिनों के लिए तो मैं साधुराम को ही काम में रखूंगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए यानी वो तब तक जब तक वो ठीक होकर हमारे काम के लिए नहीं आता तब तक हमारे घर में रखना ही है, ऐसा वो जाकर गुजारिश करता है, विनती करता है, रिक्वेस्ट कर देता है। उसके बाद तब तक रोबोनिन उसके पास काम करता रहेगा। साधुराम के ठीक होते ही वह उसे दोबारा काम पर रख लेंगे। वो साधुराम ठीक होने के बाद उसे दोबारा मरु मत अवन केस के नाम इटकोलती अंत रोबोटिक संघ अध्यक्ष हत्र हम मनवियन को दयु हुषार बरवरे नमेंगे रोबोनिन केस कलसी हुषार बंद मेले नावे केस इकती सक्सेना हेतने। संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, संघ के यदे आद तौंदरे इरलिला, उसी यानी मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, उसे काम पर उस उतने दिन तक इनके घर के लिए काम में कोई एक व्यक्ति चाहिए ही, इसीलिए वो क्या करते हैं, ठीक है हम क्या करेंगे उतने दिन तक यानी साधुराम जब तक ठीक होकर नहीं आता तब तक क्या करना है आपको यानी रोगों ने इनको रख निरख लेंगे, इसमें क्या आपत्ति नहीं है, ऐसा संघ के अध्यक्ष कह देते। शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले। रोबोदीप बोला, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना पड़े होगा। ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಆ ಎರಡು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಫೇಲ್ ಶಾಂಪು ಜಬ್ರು ಅವ್ರ ಶೇರು ಕೋಮಾನಿಕೆ ಎನಿ ವಾಕ್ ಗೇ ತಬ್ ದೋನೋ ಕಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ಫಿರ್ ಹೋತಿ ಹೈ ತಬ್ ರೋಬೋದೀಪ್ ಕಹತಾ ಹೈ ಆಜ್ ಮೈ ಸುಕೂನ್ ಕಿ ನೀಂದ ಸೋಯಿ ಹೈ ಎನಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಜೆ ಖುಷಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಆಜ್ ಮುಜೆ ಖುಷಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಕಿ ಹಮಾರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಕಿಸಿ ಇನ್ಸಾನ್ ಕೋ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವನು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ರೋಬೋದೀಪ್ ರೋಬೋನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮುಜೆ ಆಜ್ ಖುಷಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಹಮಾರೆ ವಜಹ ಸೇ ಹಮಾರೆ ಕಾರಣ ಏಕ ಇನ್ಸಾನ್ ಕೋ ಯಾನಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ ನುಕ್ಸಾನ್ ನಹೀ ಝೇಲ್ನಾ ಪಡಾ, ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದ, ಸಾಧುರಾಮ್ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತನ್ನ ಜೀವನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಐಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಹೀ ಹುಯಿ ಹೈ ಯೇ ಸೋಚ್ಕರ್ ಮುಜೆ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಹಮ್ ದೋನೋ ಕಾ ಜೋ ಸಂಘರ್ಷ ಥಾ ಸಂಘ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಜಾಕರ್ ಜೋ ಹಮ್ನೆ ಹಡ್ತಾಲ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಯೋಜನಾ ಬನಾಯಿ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಲಡೆ ಆಜ್ ಹಮೆ ಜೋ ಉಸ್ಕಾ ಉಸ್ಕಿ ಜೀತ್ ಹುಯಿ ಹೈ ಮುಜೆ ಖುಷಿ ಹೈ ಐಸಾ ಕೆಹ ದೇನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ದೋನೋ ಕೋ ಯಾನಿ ಸುಕೂನ್ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ खुशी होती है। वो सोचते हैं, देखिए मानव नहीं सोच रहा है बल्कि यंत्र सोच रहे हैं मानव के बारे में, हमारे कारण किसी मानव को हानि या नुकसान नहीं झेलना पड़े ऐसा। लेकिन आदमी क्या कर रहा है, स्वार्थ में आकर लालच में आकर वो अपना यानी दूसरों के मदद करने के बजाय सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हुए स्वार्थ की वजह से जो भी करना है वो सभी काम कर रहा है, यह गलत है। रोबोटिक के इसमें भी कुछ नियम होते हैं, उसके आधार पर ही उस रोबोटिक को काम में रखना पड़ता है, उसके वजह से यानी यंत्र के वजह से रोबोट के वजह से किसी मानव को नुकसान पहुंचाना ये रोबोटिक नियम के विरुद्ध है। इस कारण से देखिए यहाँ पर एक यंत्र में मानवीयता देख रहे हैं बल्कि आदमी में हम नहीं देख रहे हैं। ये सुनकर हमें भी लगता है हमारे आसपास भी ऐसा कुछ
माहौल वातावरण हमने भी देखा है। सिर्फ रोबोट की बात ही नहीं है बच्चों, हम भी क्या करते हैं, कुछ स्वार्थ के कारण हमारे इंसानियत को, मानवीयता को भूलकर अपना काम यानी स्वार्थ का काम चला रहे हैं। स्वार्थ के लिए जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो दूसरों को इससे हानि पहुंचती है ये हमें पता नहीं है। सिर्फ मैं आराम से यानी अपना जीवन बिताना है, सिर्फ इतना ही सोचते हैं। तब समाज का भला सोचने वाले कौन है? यहाँ पर एक यंत्र सोच रहा है, लेकिन मानव यंत्र बन गया है ना, ओब मनुष्य यंत्र आगे आदरे यंत्र मानवीयतेयिंद योचिसुत्तिदे अन्नुवंत ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಆಲೋಕ್ ಅವರು ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಮಾರೇ ಅಂಕೆ ತುಲನಾ ಜರೂರಿ ಹೇ, ಹಮ್ ಮಾನವ ಹೇ, ಇನ್ಸಾನ್ ಹೇ, ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಕೋ ಭೂಲ್ ಕರ್ ಜೀನಾ ನಹೀ ಹೇ, ತಭೀ ಏಕ್ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ का निर्माण हो सकता है. इसीलिए हम भी खुश रहना है, हमारे साथ हमारे जो परिवार हो या आमने सामने जो भी है समाज में वो भी खुश रहना है. ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಮಾನವನ ನಿಯಮ, ಇದು ಅದನ್ನ ಮರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತರಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ವು ಅನ್ನುವಂತ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. इस पाठ को आप सभी सुना है, इसके प्रश्नों का उत्तर भी अगले भाग में हम करते जाएंगे. बच्चों धन्यवाद.